हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज मैं जो मेरा टाटा पंच का इंजन ऑयल चेंज करने वाला हूँ, और मैं ये वाला इंजन ऑयल यूज़ करूँगा, कैस्ट्रॉल का मैग्नेटिक 0W20 फुल्ली सिंथेटिक। फ्लिपकार्ट का कुछ समर वगैरह सेल चल रहा था मई महीने का फर्स्ट पे, उस टाइम की इसका प्राइस आया था 1700। सो इस टाइम मैं टाटा से सर्विस नहीं कर रहा हूँ, मतलब इंजन ऑयल स्पेशली चेंज नहीं कर रहा हूँ। टाटा में भी 0W20 कैस्ट्रॉल का कुछ GTX करके एक इंजन ऑयल आता है, आई डोंट नो इट्स सिंथेटिक फुल सिंथेटिक और पार्ट सिंथेटिक, बट वो वाला। सो अभी जो है एक बार मैं इंजन ऑयल का क्वांटिटी चेक कर लेता हूँ, कितना क्या है क्या नहीं। इसके लिए आपको एक वो इसको एक बार क्लीन करना पड़ेगा। तो देखो, ये मैंने क्लीन किया, इसका जो इंजन ऑयल का क्वाल मतलब क्वांटिटी जो है ठीक ठाक है, बट जो इसका क्वालिटी अभी ख़राब हो चुका है, ऑलमोस्ट उतना चिपचिपापन नहीं है, क्योंकि एक साल के ऊपर हो गया मैंने इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाया था, तो उसके लिए। सो अभी गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट हो रहा है, तो बात दरअसल मतलब एक मिनट थोड़ा सा शीशा डाउन कर लेता हूँ, मतलब गाड़ी में अंदर में बहुत गर्मी है। सो ये जो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हूँ, और इसका जो MRP है यह इधर देख लो 2500, लेकिन यूजुअली आपको 2000 के आसपास मिलेगा, और मैंने कुछ समर सेल मई महीने का पहले जो होता है उस पर लिया था 1725 या 30 रुपीज़ ऐसे कुछ पड़ा था। और ये जो ऑयल फिल्टर, ये कुछ PR बोर्ड्स करके कुछ वेबसाइट है वहाँ से लिया था, 194 रुपीज़ का आया। उधर वेबसाइट पे शो हो रहा था कि OEM टाटा का ऑयल फिल्टर, बट आई थिंक ये तो OEM नहीं है, नॉर्मल कंपनी का। बुडमो में भी था 164 या 170 रुपीज़, बट उसमें जो है प्लेटफॉर्म फी एंड कुछ जो डिलीवरी चार्ज वो मिला के ऑलमोस्ट एक ऑयल फिल्ट मतलब ये जो ऑयल फिल्टर इसका ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास आ रहा था, तो इसके लिए ही मैंने उधर से नहीं लिया। हालांकि गाड़ी में कुछ दिन बाद एयर फिल्टर चेंज करेंगे, मतलब देखता हूँ एयर फिल्टर का क्या कंडीशन है, अगर एयर फिल्टर चेंज करना है तो उस टाइम पे बुडमो से ऑर्डर करेंगे पहले बार। सो दिस इज़ द थिंग, ये आया 1700 और ये 200 रुपया, मतलब 1900 पे इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर आ गया, और आई थिंक लोकल मैकेनिक 100 या ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपया लेगा, तो 2000 के आसपास आपका इंजन ऑयल चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, चलो देखता हूँ कैसे क्या परफॉर्म होता है। तो गाइस, इंजन ऑयल चेंज कर लिया मैंने, और ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास चलाया गाड़ी। गाड़ी पहले से जो है थोड़ा बहुत रिफाइन भी हुआ, एंड अगर मैं फिफ्थ गियर पे 100 या 110 पे चलाता था, केबिन पे जितना नॉइज आता था उससे कम आ रहा है, मुझको यही लग रहा है, बट मे बी आई एम रॉन्ग, दिस इज द थिंग। एंड गाड़ी पहले से थोड़ा बहुत स्मूथ हुआ, बट एक चीज़ यही है, अगर मतलब ये वाला इंजन ऑयल छोड़ के अगर नॉर्मल सा भी मैं इंजन ऑयल लगा मतलब लेता, और मतलब ये चीज़ समझो एक साल हो गया इंजन ऑयल का, यहाँ मतलब मैंने 15,000 किलोमीटर नहीं चलाया लेकिन एक साल हो गया, तो इंजन ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो भी गिर गया एकदम। सो अगर कोई भी आप नया इंजन ऑयल चेंज करोगे तो गाड़ी उसके बाद 1-2 हज़ार किलोमीटर तक स्मूथ ही रहेगा, सो दिस इज़ द थिंग। बट ये जो फुल सिंथेटिक ऑयल है, मैं देखता हूँ कितना दिन तक इसका जो परफॉर्मेंस मतलब ठीक ठाक रहता है। चलो अभी जो है ठीक ठाक है, और जिधर से चेंज किया था उधर थोड़ा बहुत मतलब देखो ऑलमोस्ट 500 ml के आसपास मतलब रख दिया, बोला अभी इतना ही था, लेकिन पांच का जो इंजन ऑयल का कैपेसिटी है वो नियरली ऑलमोस्ट 3.5 लीटर का ही है, तो बाद में मैं ये डाल लूँगा। सो अभी के लिए जो एक्सपीरियंस है ठीक ठाक है, और NGK का जो आईडीडीएम स्पार्क प्लग आता है वो भी मैंने लिया, उसका ऑलमोस्ट 2100 समथिंग आया, सो वो भी लगाएंगे। और ये सब लगाने के बाद एयर फिल्टर शायद मैं चेंज कर लूँगा, और अभी गाड़ी जो मेरा है 9300 चला, और नियरली 12,000 या 13,000 जब होगा ऑटो पे उस टाइम पे जाके मैं सर्विस कराऊंगा, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ सर्विस पे।
सो उस टाइम पे जाके मैं ब्रेक कॉइल या जो ब्रेक पैड है ये सब चेक करूंगा, अगर जरूरत पड़े तो वो भी चेंज करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं अभी सर्विस सेंटर नहीं जा रहा हूँ। और एक ही चीज, मेरा गाड़ी की 2 साल हो गया, और जब मैंने गाड़ी लिया था उस टाइम पे 2 साल का ही जो है वारंटी देता था। सो उसके लिए मैंने जो है एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लिया, इसके लिए मैंने इंजन ऑयल और जो जो चीज़ है मैं बाहर से करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वारंटी में गाड़ी है और आप एक्सटेंडेड वारंटी ले रखे हो तो आपको तो टाटा पे ही करना पड़ेगा, और जो टाटा का जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है, जो जो चीज़ चेंज करना है वो चीज़ आप चेंज करो, क्योंकि अगर एक भी चीज़ आप छोड़ दोगे तो चला जाएगा वारंटी। उतना प्राइस देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस वो लोग बोल रहे थे नियरली 3 ईयर का जो है 19,000 समथिंग रुपीस का बोल रहे थे। उसके बाद भी जो है ईयरली दोनों सर्विस, मतलब एक मेजर एक नॉर्मल सा माइनर सा सर्विस वो करना पड़ता था। सो उसके लिए मैंने किया नहीं, क्योंकि 2 साल में मेरा अभी जो गाड़ी 9,300, 2 साल भी नहीं, 2 साल प्लस ऑलमोस्ट 2 साल 2 महीने हो रहा है गाड़ी का एज। सो दिस इज द थिंग, अभी इंजन ऑयल चेंज कर लिया और स्पार्क प्लग भी चेंज करेंगे, एयर फिल्टर मैं खुद से चेंज करूंगा, और उसके बाद देखता हूँ और क्या कुछ चेंज करना पड़ता है क्या नहीं, क्योंकि कूलेंट और ब्रेक ऑयल ठीक ठाक है। सो गाइस, मैंने एक चीज मतलब बोलना भूल गया, मैं पहले बोला था मोटुल का कुछ लूंगा, इकोटेक प्लस करके कुछ आता है, हालांकि उसका प्राइस थोड़ा सा इससे ज्यादा है, ये मुझको 1750 का कुछ पड़ा था और वो 2100 पे आ रहा था सेल के टाइम पे। लेकिन जो बात है उसका उतना कुछ रिव्यू मुझको नहीं मिला था, लेकिन इसका बहुत सारे लोग रिव्यू दे रहा था, मतलब दिया था फ्लिपकार्ट पे मैंने दिखा, तो उसके लिए ही मैं ये प्रेफर किया। और इसमें आपको एक 175 रुपीज़ का जो है कुछ पॉलिश वगैरह मिला मुझको, इसके साथ ही आता है। सो दिस इज़ द गुड डील आई वुड से। और इसमें अभी 400-500 ml है, वो भी मैं डाल दूंगा, क्योंकि जो है ये 3.5 ml का है, 3.5 लीटर का है सॉरी, एंड गाड़ी का जो इंजन ऑयल कैपेसिटी है वो भी 3.5 लीटर का है। सो मैं अभी वो डाल दूंगा, और चलो यही है छोटा सा एक इंजन ऑयल चेंज का वीडियो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताना।